वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूँ, देख सकते हो स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो वीडियो देखे इस टाइप का सैड स्टेटस वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे और अभी ट्रेंड में चल रहे। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ पे VN एप्लीकेशन को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। देन नीचे में प्लस आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको ये 14 सेकंड का इंटर वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन आपको फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको एक फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा इंटर वीडियो, देन यहाँ पे एक फोटो ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है और फोटो को पकड़ कर कुछ इस तरह से इसका जो ड्यूरेशन है आपको लॉन्ग कर लेना है, ठीक है। और वीडियो के एकदम लास्ट पे जाना है। लास्ट पे जाने के बाद VN आपको वाटरमार्क आपको यहाँ पे पकड़ के डिलीट कर लेना है कुछ इस तरह से। देन आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग ऐड करना है। एंड यार इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज होगा सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मतलब इंट्रो वीडियो, देन सॉन्ग और जो इफेक्ट ऐड होगा सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए ऊपर में टैप टू ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और म्यूजिक वाला ऑप्शन में जाना है और माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन नीचे में बीट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सॉन्ग के ऊपर आपको यहाँ पे बीट मार्क ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर एक टाइमर दिया हुआ है, तो वही टाइमर को देखना है और बीट मार्क ऐड कर लेना है सॉन्ग के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टाइमर देख सकते हैं यहाँ पे 14.20 सेकंड है, तो आपको इस तरह से 14.20 सेकंड में चल जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग का जो टाइमर है यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको 14.20 सेकंड में इस तरह से चल जाना है, ठीक है। चल जाने जाने के बाद यहाँ पे नीचे में एक रेड वाला आइकन मिलेगा झंडा जैसा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो एक बीट मेरा ऐड हो जाएगा सॉन्ग के ऊपर। तो इस तरह से आपको कर ले। देन सेकंड वाला टाइमर देख सकते हैं हमें 15.62 सेकंड है, तो आपको इस तरह से 15.62 सेकंड में चल जाना है। देन यहाँ पे नीचे में झंडा वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बीट मार्क ऐड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सॉन्ग के ऊपर कुछ इस तरह से बीट मार्क ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको टाइमर का देखना है और बीट मार्क ऐड कर लेना है टाइमर के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम पूरा बीट मार्क ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो मैंने सॉन्ग के ऊपर पूरा बीट मार्क ऐड कर लिया, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग के ऊपर कुछ इस तरह से एरो एरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला एरो को छोड़कर आपको सेकंड एरो के ऊपर इस तरह से क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्लिक करना है तो नीचे में यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन मिलेगा, फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे स्प्लिट कर लेना है। देन थर्ड वाला एरो के ऊपर क्लिक करके आपको फोटो को स्प्लिट कर लेना है कुछ इस तरह से एक एक करके, ठीक है। तो जितना भी एरो है उस एरो के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से फोटो को स्प्लिट कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो को स्प्लिट कर लिया हूँ। देन सॉन्ग का लास्ट पे चल जाना है कुछ इस तरह से, यहाँ तक सॉन्ग का ड्यूरेशन है, तो फोटो के ऊपर क्लिक करना और फोटो का भी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से आपको कर लेना है और एक्स्ट्रा फोटो को आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड अब क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो में एनिमेशन और इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो प्लस आइकन मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पे फोटो के जस्ट बगल में, तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है और आपको यहाँ पे लाइट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लाइट इफेक्ट का ड्यूरेशन आपको 0.7 सेकंड में कर लेना है। देन यहाँ पे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। तो देख सकते हो जितना भी प्लस वाला आइकन था सब प्लस वाला आइकन में ये लाइट वाला इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, आपको फोटो में अब आपको एनिमेशन ऐड करना है, मतलब इफेक्ट्स ऐड करना है।
तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे में इफेक्ट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और फर्स्ट वाला फोटो में आपको यहाँ पे जीटेल वाला एक इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन एकदम आपको लास्ट पे कर लेना है कुछ इस तरह से घिसका कर। देन आपको ये जो एरो मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करके सेकंड फोटो में आ जाना है, ठीक है। आ जाने आने के बाद यहाँ पे सेकंड फोटो में आपको यहाँ पे जूम इन वाला इफेक्ट्स को ऐड कर लेना है। देन इसका भी ड्यूरेशन को कुछ इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेना है, ठीक है। रिपीट आपको दो ही एनिमेशन को ऐड कर लेना है सब फोटो में, ठीक है। तो देख सकते मेरे सब फोटो में एनिमेशन भी ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके और जहाँ से फर्स्ट वाला फोटो स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे आपको आ जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे एक लाइट वाले इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे तीन नंबर में जो प्लस वाला आइकन मिलेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन में जाकर वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये लाइट वाला इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है। देख सकते मेरा लाइट इफेक्ट वीडियो ऐड हो चुका है। देन नीचे में आपको फिल वाला ऑप्शन में क्लिक करना है तो फुल स्क्रीन पर हो जाएगा ये इफेक्ट वाला वीडियो। देन यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा जस्ट बगल में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको स्क्रीन मोड में कुछ इस तरह से कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है। आने को देख सकते कुछ इस तरह से मेरा वीडियो कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड अब क्या करना है, आपको वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में ये जो ब्लू वाला आइकन मिलेगा डाउनलोड जैसे, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।